पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बहुत मानती हूँ। मैंने अपने पिछले जन्म में मैं जा चुकी हूँ, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैं अपने पिछले जन्म में क्या थी, किस लिए मैंने इस जन्म में बर्थ लिया है, जन्म लिया है। ऑफ कोर्स मैं इसमें मानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है, खुद देखा है। ये मोडालिटीज़ जो हम यहाँ पर सीखते हैं, जो कि मैं बहुत सालों से सीख रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे दादाजी जो थे वो एक स्पिरिचुअल हीलर थे, मेरे पापा के पापा बाबा बेदी जो हैं वो अपने एनर्जी के थ्रू लोगों की को हील करते थे। मेरी दादी जो है एक बुद्धिस्ट नन थी, वो उन्होंने अपने बाल बाल कटवा के, रोब्स पहन के, वो बुद्ध धर्म को अपना कर मॉनेस्ट्रीज में चले गए करमापा के नीचे। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। देर आर बुक्स रिटन ऑन हर। एंड एज फार एज ये मोडालिटीज़ जो है, वेदर इट्स हिप्नोथेरेपी, वेदर इट्स रिग्रेशन या रेकी हो, या मैग्नीफाइड हीलिंग हो, या सोल टेम्पल हो, या हील योर लाइफ हो, मैंने सारे के सारे की हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ मी प्रैक्टिसिंग इट एंड हेल्पिंग अदर पीपल, इट्स अमेजिंग कैसे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे आते हैं। या तो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, जो पैटर्न्स हम बचपन से लेके आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, हमारे एटीट्यूड्स में हानिकारक है, वो सब चले जाते हैं। लोग पीपल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, जॉय। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इफ एनी मोडालिटी, अगर कोई भी तरीका अपनाए विच मेक्स यू अ हैप्पी पर्सन, एवरीबडी शुड डू इट। It's not about only me believing in it, it's about a common belief. People definitely believe in past life. I have not experienced anything on those lines, but yes, जो लोगों से सुनते हैं या उनसे समझते हैं कि भाई एक पिछला जन्म होता ज़रूर है, वो कौन किस हद तक उसमें जाके उस पर रिसर्च करता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये आउटराइट बोलना कि नहीं होता है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है। एक सुप्रीम पावर है, इन सब से बढ़ के एक सुप्रीम पावर है जिसमें अपन सब बिलीव करते हैं, ऊपर वाले में, परमात्मा में। तो अगर आप उस चीज़ में बिलीव करते हो, बिलीफ रखते हो, तो डेफिनेटली समाउ समवेयर ये भी कोई चीज़ ऐसी है, लोगों का ये मानना है, धारणा है, और इसलिए अपने भी इस चीज़ को मान के आगे बढ़ते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ पक्का होती है। यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ, आप भी विश्वास करें और एक बार एक्सपीरियंस करें, आई एम श्योर आप बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत अच्छा है, ये लोग वेलनेस में बिलीव करते हैं लोगों की, और आई थिंक हम एक्टर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है ये सब, क्योंकि हिप्नोथेरेपी, टैरो कार्ड। तो मैं जब इनसे मिल रहा था तो मैंने कहा इन सब के नंबर मैं ले लूँ, बिकॉज आगे जाके शायद मेरे बड़े काम आएंगे। बिकॉज कई बार हम लोग, जैसे मान लीजिए, हम लोग कई बार अपने सीन में बहुत अटक जाते हैं, हम फिल्म्स करते हैं और फिल्म्स में कई किरदार ऐसे होते हैं जिनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये हमारे दोस्त हैं जो हमें बहुत मदद करते हैं उसमें। और टैरो कार्ड का जैसे मैं बोल रहा था, हर कोई जानना चाहता है अपना फ्यूचर, तो आई थिंक ये बड़ी मदद करते हैं उसमें हमारी। इतना ब्लैंक हो गई हूँ ना, ब्लैंक ना हो, देखिए मैं खास तौर पे इन्हीं के कारण यहाँ पे आया हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जब भी बुलाती है मैं दौड़ के आ जाता हूँ। ये पॉलिटिकल ज़रूर नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य ये था कि मैं अपना जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसे यूज़ ना करूँ या उसके दबाव में किसी को ना बुलाऊँ। मैंने अपने दोस्ती में जो जो लोग आ गए उन्हें मैंने बोला आ जाइए, इसीलिए शायद मैंने कोई भी पॉलिटिकल इसको टच नहीं दिया। और प्रिया जी आ गई है बिकॉज उन्हें इस पूरे के पूरे थेरेपी में विश्वास है, वो वेरी क्लोज टू हर हार्ट। और ये सेमिनार 4 दिन का है, ये पास्ट लाइफ रिलेटेड जितनी थेरेपीज होती है उसके लिए हमने ये रखा हुआ है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को हो। भारत भर से ही नहीं, तो हमारी कुछ दोस्त हैं जो UAE से भी आए हैं, सिंगापुर से आए हैं, क्योंकि हमने इसका नाम ही रखा है एशियन रीइंकार्नेशन। तो एशिया से जितने हमारे पास्ट लाइफ पे काम करने वाले जितने थेरेपिस्ट हैं वो यहाँ आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी गीता निरुपम जी को और आशा वॉरियर को, जिन्होंने आज ये रिग्रेशन थेरेपी का प्रोग्राम लिया है। इट्स एन अमेजिंग इवेंट, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग पहुँचे हैं, अब्रॉड से स्पेशल स्पिरिचुअल हीलर्स आए हैं। रिग्रेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल के ज़माने में, जिस तरीके से हमारा डे टू डे स्केड्यूल है उसकी वजह से हम सब बहुत डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। सो ये रिग्रेशन थेरेपी बहुत हेल्प करती है हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उभरने के लिए।
अगले जन्म में मैं वही चाहूँगी जो मेरे भविष्य में होगा, क्योंकि जो भी होगा अच्छा के लिए ही होगा। सब कहती ना कि हाय मैं ये भुगत रही हूँ इस जन्म में क्योंकि मेरे पिछले जन्म में मैंने ऐसे किया होगा, मैंने कुछ अच्छा किया होगा मेरे पिछले जन्म में कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है, और मैं बहुत कुछ इस ज़िंदगी में करना चाहती हूँ ताकि मेरे अगले जन्म जो है वो बहुत ही अच्छा हो, और मैं और भी खिलूं, और भी ग्रो करूं, और भी लोगों की मदद कर सकूं। आई थिंक दिस आर वंडरफुल 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 वेज टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस। फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।